हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौम्य रंजन नायक और आप सभी लोग को मेरे चैनल लेट्स हेल्प यू में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग ग्रो में म्यूचुअल फंड किए हो, अगर चाहते हो कि एक मंथ या दो मंथ का SIP को आप लोग को स्किप करने के लिए चाहते हो तो उसको कैसे करना है, इसके बारे में आप लोग को डिटेल जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपका ग्रो आप खोल लीजिए। ग्रुप खोलने के बाद आप जाइए आपका म्यूचुअल फंड सेक्शन को जाइए। अगर अब आपका NAV या आपका एवरेज प्राइस कितना है या आपका फोलियो नंबर क्या है इसके बारे में जानने के लिए चाहते हो तो आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं एक्सिस ब्लू चिप का डिटेल के बारे में जानकारी चाहता हूँ तो उसका ऊपर आप क्लिक कीजिए। डिटेल्स में जाइए। डिटेल्स में जाने के बाद आपको भी मिल जाएगा, देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, रिटर्न क्या है, करंट NAV क्या है, एवरेज NAV सारे आपको मिल जाएगा। फोलियो नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि उसको स्किप करने के लिए या उसको कुछ एडिट करने के लिए तो आपको क्या करना है, आपको जाना है ऊपर में, देखिए दिखा रहा है 2 SIP, ठीक है ना। जो SIP आपको लिख रहा है, जितना आप SIP ग्रो में किए हो उतना आपको SIP दिखाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जिसको आपको एडिट वगैरह कुछ भी करना है तो आपको जाके SIP के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। SIP के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा आपका जितना SIP आप ग्रो के थ्रू किए हो तो सारे आ जाएगा। तो चलिए अभी मैं इसमें क्या करूँगा, एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का मैं एक महीने के लिए स्किप करूंगा। SIP का अंदर में जाने के बाद देखिए जो म्यूचुअल फंड आपको दिखा रहा है, देखिए एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का जो नेक्स्ट ड्यू दिखा रहा है, नेक्स्ट ड्यू 14 सितंबर। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सितंबर महीना का जो SIP है मैं उसको स्किप करने के लिए चाहता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 6th इंस्टॉलमेंट आपको इन 5 डेज। अगर आप चाहते हो कि करंट मंथ का आपको SIP को स्किप करने के लिए तो आपको 4 दिन कम से कम पहले आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से आप लोग प्लान कीजिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो नीचे देखिए एडिटी एस आई पी का ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आपको मिलता है, एडिटी अमाउंट एंड डेट, स्किप इंस्टॉलमेंट। अगर आपको एडिटी अमाउंट एंड डेट करना है तो मेरा एक वीडियो है, आप उसको जाकर देख सकते हो कैसे आपको अमाउंट एंड डेट चेंज करना है या आपको SIP अमाउंट आपको कैसे इंक्रीज करना है, इसका एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम स्किप के बारे में बात करेंगे। तो स्किप करने के लिए आपको स्किप इंस्टॉलमेंट का ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको दिखा रहा है, देखिए स्किप इंस्टॉलमेंट फॉर मंथ, यहाँ पे मंथ आपको मिलेगा। तो आप जब भी स्किप करना चाहते हो तो जब स्किप का ऊपर क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे दिखाएगा कौन सा मंथ का आप स्किप कर रहे हो। जो अभी जैसे कि मैं मान लीजिए मैं सितंबर का स्किप करने के लिए चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे को सितंबर का स्किप कर रहा है और नेक्स्ट डे दिखा रहा है आपको 14th अक्टूबर, ठीक है। तो आपको अगर इस महीने का स्किप करना है तो आप सिंपली कन्फर्म का ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका भी स्किप इंस्टॉलमेंट रिक्वेस्टेड, ठीक है, ये रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड बाय 9 सितंबर। आज जैसे कि 9 सितंबर है तो मैंने 9 सितंबर को उसको अप्लाई किया था, तो बाय द एंड ऑफ द डे ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग स्किप जो इंस्टॉलमेंट है उसको आप लोग कर सकते हो। आपको अगर दोबारा देखना है, आपका स्टेटस देखना है तो आप जाके भी SIP का अंदर में जाके यहाँ पे स्टेटस आपका चेक कर सकते हो। तो चलिए अभी एक दिन ही हो गया है तो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो चलिए आपका डैशबोर्ड में चले जाइए, SIP के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी मेरा रिक्वेस्टेड सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट ड्यू अप्लाई करने से मेरा 14 सितंबर था, अभी मैं जो स्किप किया अभी मेरा आ रहा है 14 अक्टूबर आ रहा है। अगर आप अंदर में जाओगे तो आपको मिलेगा, देखिए कंप्लीटेड रिक्वेस्ट कंप्लीटेड हो चुका है, स्किप फॉर सितंबर मंथ का आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुआ है। तो इस तरह से देखिए आ रहा है 7th इंस्टॉलमेंट अपकमिंग इन 30 डेज। तो ये मेरा जो इंस्टॉलमेंट स्किप करने के लिए जो मैं रिक्वेस्ट डाला था उसका वो प्रोसेस हो चुका है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरा जो है अक्टूबर में आएगा। तो इस हिसाब से आप लोग आपका कोई भी SIP का जो आप ग्रुप के थ्रू में इन्वेस्ट किए हो उसका आप इस तरह से स्किप कर सकते हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।